नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल हो गया उस वक्त विजयनगर तहसील के सरसों में, जब शहीद हुए जवान सुभाष चंद्र का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद के नमन में देशभक्ति नारों से गूंजता रहा गांव और सबकी आंखें नम हो गई। सुभाष चंद्र खिमजी भाई खरारी, जो सीमा सुरक्षा दल में अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर अपने फर्ज अदा कर रहे थे। उनके तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 9 साल की, उसके बाद दूसरी बेटी की उम्र 7 साल और बेटी की उम्र 4 साल की है। जब सुभाष चंद्र अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस लौट रहे थे, तब उन्हें हार्ट अटैक आया। तुरंत उनको अस्पताल भेजा गया, जहाँ अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मौत की खबर सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अरुणाचल प्रदेश से सुभाष चंद्र का शव पहले बोमीडिल्ला पोस्ट पर लाया गया, उसके बाद सैनिकों की देखरेख में शव हवाई मार्ग से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद और वहां से सड़क मार्ग से तकरीबन 4 बजे शव गांव आया। 35 साल के जवान पार्थिव देह से पूरे गांव में मातम पसरा है। भारत के इस लाल के अंतिम दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ था। सरसव गांव के ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग पैदल, बाइक और चार पहिया वाहन से शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ऐसे में सभी की आंखें नम थी। शहीद के अंतिम दर्शन पाते ही बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं के भी आंसू टपक पड़े थे। बता दें, रविवार को सुबह से ही शहीद के परिजन और गांव वाले हाथों में पुष्प और माला लेकर उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने तिरंगा झंडा हाथों में लेकर भारत माता की जय जयकार करते हुए शहीद सुभाष चंद्र अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, सुभाष चंद्र तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए। साथ ही वहां मौजूद पुलिस प्रशासन और सेना के अफसरों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करके सीमा सुरक्षा दल के अफसर, विजयनगर के पुलिस सब इंस्पेक्टर मेहुल कोटवाल, विजयनगर तहसील PG चौहान, DMO डॉक्टर प्रवीण असारी, राजू भाई डून एक्स आर्मी मेन जिसमें प्रमुख रामजी पटेल, उप प्रमुख लक्ष्मण भाई डोडियार, राजू भाई डामोर, प्रताप भाई मोडिया और सभी राजकीय कार्यकर्ता उपस्थित में गार्ड ऑनर ऑफ के साथ साथ श्रद्धांजलि व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। ये लड़का जो था ऑन ड्यूटी पर था ना, फायर करने के 3 बजे फायर हुआ, 2 बजे फायर खत्म हुआ था। जाने वाले थे ना, तब तक इसको गर्मी आई होगी, इतने पी खोली था। तब साहब ने बोला कि इसको जिप्सी में डालो, हॉस्पिटल ले जाओ। 2 गाड़ी गया था इसको लेके, वो 3 बजे जहाँ से हॉस्पिटल पहुँच गए थे और 5:30 बजे डॉक्टर ने चुवा के दिए। कहाँ पे हुआ था ये? ये तो बदानगुड़ी में हॉस्पिटल है सर। कितना दिन हुआ? क्या ये तो 3 तारीख को हुआ। 3 तारीख को ओके। रात में 10 बजे नीचे जा रहा था कि आप फोन आए तो कीधु कि आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने बोला गुजरात से बोल रहा हूँ। तो सुभाष चंद्र आपका भाई है क्या? मैंने बोला हाँ मेरा भाई है। तो फिर आप उसको फोन बोन कुछ आया था? मैंने बोला कुछ नहीं आया अभी। तो फिर आप सगे भाई हो क्या? मैंने हाँ सगे भाई हूँ मैं। ठीक है, तो फिर उसको हुआ है थोड़ा दिक्कत हुआ है। दिक्कत मैंने बोला क्या हुआ है? कि दिक्कत हुआ है सिरों पर, इसको हार्ट अटैक आ गया है तो अचानक वो बेहोश हो गया है, हमने हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है। फिर मैंने बोला मैं अभी तो बात हुआ था, तो फिर ऐसे कैसे आ सकता है? तो कि नहीं, ऐसा हार्ट अटैक ही आया है और कुछ नहीं है। उसके वाला फोन बंद हो गया सर, उसके फोन। जी आ घटना घटी से, ये बहु दुखद घटना से। अरे आदिवासी समाज ने अंदर एक शोक नु मोजू फरी वळ्यु छे। अने अमारा एक भाई जवान ए देश नी रक्षा माटे त्या बॉर्डर उपर हता, अने आ जे बनाव बन्यो छे अने ए बहु अघटित छे अने दुखनी बाबत छे। ओके।